ओबे फॉग फॉग आ रहा है अर्णव, क्या चीज़ क्या लेने जा रहे हैं हम? हम तो तू क्या ले, हम अर्णव बता ना क्या लेने जा रहे हैं तेरे साथ? चल घर में है तो भाई हम लोग लेने जा रहे हैं थुरथुरे। कितने रुपए है? 800 रुपए थे थुरथुरे दे रहा अंकल। तो सारे कपड़े गंदे हो रखे हैं और तो मैं उड़ गया था, पर हिम्मत नहीं होती। कूलर चल रखा है, मौसम ठंडा हो रखा है, वैसे ही मेरे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती मैं उठूँगा। खैर जैसा भी फिलहाल टाइम हो चुका है 7:50, बस 15-20 मिनट है मेरे पास तैयार होने के लिए। फिर नाश्ता करके वहीं से वहीं क्लास निकल जाऊँगा। आज भी क्लास अटेंड करूँगा, अगले वीक भी, उसके बाद घर चले जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ सिचुएशन क्या बनी। सिचुएशन ऐसे ऐसे हुआ कि जो बाइक लेनी थी वो कहीं पर भी नहीं मिलती। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस। कुछ जुगाड़ बिठाया है, देखेंगे क्या होता है, क्या कर सकते हैं। फिर जैसा भी वेलकम बैक टू चैनल। सो रहा है ना, कह रहा हाँ चुप हो जा। खैर जैसा भी है, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। वेलकम बैक टू चैनल, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल बढ़िया हो एंड बढ़िया ही रहो। अभी तो हाँ कर रहा हूँ, अभी तो कन्फ्यूजन है, पहन के ही आ जाऊँगा। तो जो भी है देखते हैं बाद में, तैयार हो गए टाइम से, रेडी हो गया 8:30। अब नाश्ता वाश्ता करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली अपने को। और भाई यही कपड़े पहन लिए, कुछ था ही नहीं, कोई भी कपड़ा नहीं धुल रखा था। कल धोऊंगा सारे कपड़े, सारे तो इन धोने, क्योंकि घर जा रहा हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो धो लूँगा, बाकी चलने दो है ना, घर ले जाऊँगा, वहाँ से धुल के आ जाएंगे। फिलहाल तो एक सबसे बड़ी टेंशन सिर्फ और सिर्फ बाइक की चल रही है दिमाग में कि होगा नहीं होगा यार। बहुत वो थी, कुछ ना कुछ तो करेंगे, वो नहीं तो कोई और लेंगे, पर लेनी ज़रूर है, कोशिश पूरी रहेगी। स्प्लेंडर सबसे बेस्ट है, मैं अब भी कह रहा हूँ आप लोगों को, एक बार हाँ तो बोलो कि हाँ सर स्प्लेंडर ले लो, मैं लेने के लिए तैयार। आज वैसे भी हम दोनों जल्दी नोटिस में आएंगे, सफ़ेद काला। तूने क्यों नहीं पहनी ड्रेस? मेरा मन नहीं था, एक नंबर तो नहीं पहन के आएगा उस दिन। हमारे तो डिसीजन नहीं होता, एक दिन एक पहने एक दिन एक। अबे यार मेरे तो सारे गंदे थे, मैंने इसलिए नहीं पहने। तो हाँ अब कुछ बोल नहीं सकते फालतू। तो भाई जिस बात को मैंने सुबह हाईलाइट किया ना था कि आज सर वगैरह पक्का पकड़ेंगे, भाई क्लास में घुसते ही खड़े हो जाओ। तो किस्मत अच्छी है, मैं बाहर नहीं निकाला, अटेंडेंस मिल गई। मतलब हाँ निकाल देते, हम रूम पे चले आते, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? हमारा कनेक्शन अच्छा था सर, हमारा सबके साथ अच्छा है, ऑल द नंबर अच्छे नहीं आते, ठीक है ना? लेकिन हाँ है ना, एक मेंटालिटी मैच करती है अपनी। तो फिलहाल जा रहे हैं रूम पे, फाइल है कलम कैंडिडेट है सर। उस दिन क्या हुआ? डेंगू बुखार? नहीं, उसके डेंगू का बहाना बना रहे थे वहाँ। उसके बुखार हो गया सच में? पागल यार, उसके घर में कुछ ना बीमारी और उसका तालमेल चलता रहता है। इसका वो दिखाता हूँ आपको, इसके ट्रेड वंश के। अरे इतनी गंदी शक्ल, ये रहा। तो दिस इज समथिंग जो आज इसने लिया है। अरे दिन एंड हो चुका है। खैर जैसे तैसे करके यहाँ पे वंश कर रहा है व्लॉगिंग, एंड हमने अभी अपने यही दुकड़े खा रहे थे कि जिंदगी कितनी ज़्यादा चल रही है। और भाई ऑल योर ट्रेडिंग है क्या? अरे वो रील नहीं देखी, हंसते हुए चेहरे का मतलब ही नहीं होता है। क्यों नहीं थी ना रील एक हंसते? भाई बिल्कुल ऐसे ही ट्रेड था आज का, दोनों का लॉस रहा। इसका कुछ बहुत मेरा थोड़ा सा स्टेबल था, मतलब ठीक है झेल लिया। हालत टायर ख़राब हुई क्योंकि कल भी 300 का लॉस, आज भी अच्छा खासा। तो एक अजीब मैटर था, फिलहाल प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ है, अब निकलना है। तो मैं और मैं यही बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में हो गया था, समझ नहीं आ रहा ना, चैन से जी पा रहे ना खुशी से जी पा रहे। नहीं मतलब ना तो खुशी का चैन है, मतलब दुख का इतना गम ही गम है। ट्रेड उठा उसमें हालत ख़राब, रीसेलिंग की मार्केट नहीं चल रही, टीचर्स बिल्कुल भी खुश नहीं। मतलब ऐसे नहीं बदतमीजी करते हैं, पर है ना हम थोड़े हाइपर एक्टिव रहते हैं क्लास में, तो टीचर्स बिल्कुल नहीं, अटेंडेंस नहीं, एक महीना पेपर को ख़त्म हुए नहीं है, फिर से पेपर दे दिए, टाइम ही नहीं मिल रहा यार अपने लिए। मेरे को लग रहा है फिर से कोई छुट्टी देनी पड़ेगी मेरे को। पर फिलहाल मैं बाइक का वेट कर रहा हूँ, सारी सेविंग्स उधर डल चुकी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अगर किस्मत ने साथ दिया आ जाएगी, नहीं दिया तो यार ठीक है, आखिरकार क्या बोलूँ। ऐसे तो मन में नहीं आता कि ये बोल दूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। चाहे कुछ मतलब शाम के बज रहे हैं 5, यहाँ सारा सामान आ चुका है। एक्चुअली आज मानवी कह रही कि यार मेरा ऑमलेट खाने का मन है, फिर वहीं पर संजना भी बैठी थी, हो गया तो मेरा भी मन है। मैंने कहा ठीक है भैया, तुम्हारा भाई ना पापा जी ने ट्रेन करके भेजा भाई हमको, मतलब ऑमलेट बनाने के लिए, नहीं सारी सिचुएशन हैंडल करने के लिए। चलो ठीक है मैं बना लेता हूँ, तो फिलहाल बनाएंगे ऑमलेट। ऑल तो 5 बजने वाले हैं, अब सब्जी वब्जी काटूंगा, इतने में टाइम लग जाना है।
तो तब से तो भाई अपन मतलब काम में लगा हुआ था और टाइम थोड़ी सी लिमिट थी टाइम की, तो मैंने इसलिए व्लॉग शूट नहीं किया, वरना नहीं एक बार तो आप लोग मुझे देख ही चुके बनाते हुए। और भाई एज यूजुअल तुम्हारा भाई शेफ है भाई, यहाँ बनाई अंडे की भुर्जी, इधर ऑमलेट काफ़ी है, ठीक है। फिलहाल अब ये देखना है कि कहाँ पर बैठ के खाया जाए, समझ ना, क्योंकि एग है ऐसा तो कुछ चावल वेज वगैरह बनाया नहीं कि कहीं भी खा लें। खैर जैसा भी है, मस्त भाई रंग देखो क्या आया, वो निखर गया मेरी तरह है ना, जैसे मैं दिखने में सुंदर वैसे ही। ये तो जलते हैं ना, जलने वाले लोगों की शक्ल दिखाऊं, ये देखो और भाई जल ककड़ी, ये जो है व्लॉग के नाम से पतली हुई है, मतलब इन द सेंस ऐसे तूने शर्ट वर्ट जो ठीक करी अभी। कैसा था मानियो ऑमलेट, कैसा था? हैं झूठ, बहुत टेस्टी, मजा आ गया ना। बस अब मैं ऐसे बनाता हूँ, अब सच मैं सुनवाना ही नहीं। एक्चुअली क्या हुआ ना, नमक और मिर्च डलते हैं, दो ही चीज़ें डलती हैं मात्र अंडे में, मात्र एक नॉर्मल इंसान बनाए, दो ही चीज़ें, नमक और मिर्च डाला। तो तू भेंगी की तरह क्यों बोल रही है, ऊपर देख के नीचे देख के बोल थोड़ा कैमरे में, मुझे पता नहीं चल रहा पागल। तो यार गलती हो, गलती हो जाती है इंसान से, ठीक है ना, कभी कभी चलता है, कभी कभी चलता है। एक तो भुक्कड़ को खाना खिला दो, उसमें भी ना इनके नखरे सो, गरीब हो चले जाओ, ठीक है ना, चुग लो जो बचा है और जाओ। ओबे फॉक फॉक आ रहा है अर्णव, क्या चीज क्या लेने जा रहे हैं हम? तू क्या ले, अर्णव बता ना क्या लेने जा रहे हैं? तेरे साथ चल, हम भी हैं। तो भाई हम लोग लेने जा रहे हैं थुरथुरे, कितने रुपए है? 20 रुपए थे थुरथुरे, दे दो अंकल। तो फिलहाल इसे भूख लग रही थी, कह रहा कुरकुरे। अब 20 रुपए के कुरकुरे लेने के लिए एक दो भाई अपन तीन जने जा रहे हैं। तू क्या करने जा रहा है? हाँ मैं क्या करने, सॉरी यार शिट भूल गया तो जा क्यों रहा हूँ।